लोग कहते हैं ना रेफरेंस दो भाई, कैसे खुशी मना सकते हैं, कैसे खर्च कर सकते हैं, चलो भाई रेफरेंस भी ले लो। अल्लाह फरमाता है कुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिक फलयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमाउन। 11वां पारा सूरह यूनुस आयत नंबर 58, ठीक है, याद करते हैं। इसका तर्जमा क्या है? तर्जमा भी किया आला हजरत ने किया। तुम फरमाओ अल्लाह ही के फजल और उसी की रहमत और उसी पर चाहिए कि खुशी करें, वो उनके सब धन दौलत से बेहतर है। अल्लाह की रहमत और फजल पर खुशी करें तो सब धन दौलत से बेहतर है। अच्छा, फिर अल्लाह की कोई भी रहमत हो तो खुशी करने का हुक्म है, तो जो सबसे बड़ी रहमत हो, जो सबसे बड़ी नेमत हो। अब आप हो सकता है कोई कहे यार नबी पाक अल्लाह की रहमत है, ये कहां से आया भाई? आओ फिर कुरान का रेफरेंस दे देता हूं। अल्लाह कुरान में फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, मेरे आका तो सारे जहान के लिए रहमत है। अहदीस में ये मजमून मिलता है, हदीस कुदसी है, ए महबूब तुझे ना बनाता तो ये कायनात ही ना बनाता।